स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर सुभाष घई सर जी के डायरेक्टिंग करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इनकी टॉप मूवीज रही हैं परदेश, ताल, राम लखन और विधाता और कर्मा जैसी मूवीज़ इनकी टॉप मूवीज़ में रही हैं। इनका जन्म 24 जनवरी 1945 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ और इनकी शादी मुक्ता घई जी के साथ सन 1970 में हुई। इनके डायरेक्शन में बनने वाली सबसे पहली मूवी 1976 में आई थी, जिसका नाम था कालीचरण। इस मूवी में शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय, प्रेम नाथ, अजीत और डैनी डंजम्पा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी 1978 में आई थी, जिसका नाम था विश्वनाथ। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, रीना राय थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी 1979 में आई थी, जिसका नाम था गौतम गोविंदा। इस मूवी को सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी 1980 में आई थी, जिसका नाम था कर्ज। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें ऋषि कपूर, टीना मुनी, प्राण, सेमी ग्रेवार, राजकिरण थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी 1981 में आई थी क्रोधी। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें धर्मेंद्र, शशि कपूर, रंजीता कौर, प्राण थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी 1982 में आई थी, जिसका नाम था विधाता। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें दिलीप कुमार, संजय दत्त, पद्मिनी कोल्हापुरे, संजीव कुमार, अमरीश पुरी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली मूवी 1983 में आई थी हीरो। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। ये जैकी श्रॉफ की डेब्यू मूवी थी। इसमें जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी सेसादरी थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। अगली मूवी 1985 में आई थी मेरी जंग। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अनिल कपूर, मीनाक्षी सेसादरी, नूतन अमरीश पुरी, जावेद जाफरी थे। ये मूवी हिट रही थी। अगली मूवी 1986 में आई थी, जिसका नाम था कर्मा। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, नूतन, अनिल कपूर, अनुपम खेर थे। ये मूवी सुपरहिट रही थी। अगली मूवी 1989 में आई थी, जिसका नाम था राम लखन। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, राखी, माधुरी दीक्षित, डिम्पल कपाड़िया, अमरीश पुरी थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। अगली मूवी 1991 में आई थी सौदागर। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें दिलीप कुमार, राजकुमार, मनीषा कोराला, विवेक मिश्रा, अनुपम खेर, अमरीश पुरी थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। अगली 1993 में आई थी खलनायक। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, राखी गुलजार थे। ये मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगली मूवी 1995 में आई थी, जिसका नाम था त्रिमूर्ति। इसको सुभाष घई जी ने प्रोड्यूस किया था। इसमें जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, शाहरुख खान थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। अगली मूवी 1997 में आई थी परदेश। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें शाहरुख खान, महिमा चौधरी, अमरीश पुरी, आलोक नाथ लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट करार दिया गया। अगली 1999 में आई थी, जिसका नाम था ताल। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, अक्षय खन्ना लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी सन 2001 में, जिसका नाम था यादें। इसको सुभाष घई जी ने डायरेक्ट किया था। इसमें जैकी श्रॉफ, ऋतिक रोशन, करीना कपूर लीड कास्ट में थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी सन 2005 में आई थी, जिसका नाम था कृष्णा द वॉरियर पोएट। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें विवेक ओबराय, ईशा शेरवानी थे। ये मूवी डिजास्टर रही। अगली सन 2008 में आई थी, जिसका नाम था ब्लैक एंड व्हाइट। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें अनिल कपूर, अनुराग सिन्हा, शिफाली शाह थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली सन 2008 में आई थी, जिसका नाम था युवराज। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें अनिल कपूर, सलमान खान, कटरीना कैफ थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली सन 2014 में आई थी, जिसका नाम था कांची द अनब्रेकेबल। इसको सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था। इसमें कीर्तिक आर्यन, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती थे। ये मूवी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर रही। ये इनकी लास्ट मूवी रही डायरेक्शन में। इसके बाद इनके डायरेक्शन में कोई मूवी नहीं आई। तो ये सुभाष घई जी का डायरेक्शन करियर था। इसमें कौन सी मूवी आपके सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या डायरेक्टर का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।